क्या बात है? आखिर तूने ऐसे मुंह क्यों बनाया हुआ है? गांव से खबर मिल गई मुझे, वाक का शिकार करके आए हो ना तुम, मुझसे वादा किया था ना तुमने। क्या बकवास कर रही है? रहने दो, बकवास तो जैसे मैं ही करूँ। उस बाघ को मार दिया ना तुमने। बाघ? अरे कौन सा बाघ? आए हाय हाय मेरे भोले भंडारी, मैं जानू हूँ कि बाघ को मार कर भी आदमी जेल जावे हैं। अरे ये सब क्यों सोचती रहती है तू? चल जरा छोड़ो, ऐसे बाघ को टालो मत। कहाँ थे तुम दो दिन से? अरे खेत में था, तुझे बता कर ही तो गया था ना। बेटा पापा कहाँ है? पापा तो गाड़ी लेकर बाहर चले गए, रात को ही आएंगे। पापा आएंगे तो कहना कि आंटी आई थी मिलने। किससे बात कर रही है चक्की? चक्की कहाँ है? मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो खा के आया, तूने नहीं खाया क्या? मैं ना क्या बात है, बोलती क्यों नहीं, मौन में रहता क्या? खुद तो लड़खड़ाते हुए आए हो चार पैरों पर, तुमसे क्या क्या बात करूं मैं? मैं तो बिल्कुल अपने दोनों पैरों पर खड़ा हूँ। बाहर देखो मामा घूम रहा है चार पैरों पर, जरा देखो तो सही। वो देखो वो देखो 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 कैसा बदमाश है ये, इस तरफ आ गया। चल तुझे भी सीधा कर, चल चल सीधा हो जा। तेरी तुझे भी मेरी याद आ रही है? ठीक है। अरे कहाँ चली, आ जाना। अरे कहाँ चली? चप्पल मारूंगी। मुझे तुम्हें मिठाई खिलानी है। ठूस दे मिठाई तेरे बापू के मुंह में। कौन सी मिठाई? ये तो बहुत अच्छी मिठाई है, किसने लाके दी? चाचा ने? नहीं नहीं आंटी ने दी है। कौन सी आंटी? वो कार वाली है आंटी। अब क्या थूकने का नाटक कर रहे हो मेरे सामने? छुप छुप के मिलते रहते हो उसे, अभी भी मौका है तुम्हारे पास, जाकर रह लो उसके साथ, हम दोनों माँ बेटी मिलकर कर लेंगे अपना गुजारा कैसे भी। अरे मैंने तो आज तक उससे कभी बात भी नहीं की, तू ऐसा क्यों बोल रही है? बात करने का बहुत मन कर रहा होगा ना, तो जाओ उसके पास, गले लगा लो उसे, तुम्हारा इंतजार कर रही होगी महारानी। बापू जूलिया आंटी ने कहा बापू आएंगे तो कहना वो मिलने आई थी। अरे तू तो मेरी प्यारी बेटी है ना, तू क्यों सुलगती हुई आग में घी डाल रही बेटा? वो अपने घर में गाड़ी में बैठकर जा सके है, तो यहाँ से चल के जाने की क्या जरूरत है? हमारे घर के सामने से ठुमक ठुमक जाएगी, मैं जानती नहीं क्यों, तुमसे मिलना है उसे। क्या बके जा रही है? अंधी ना हूँ मैं, मटी मारी गई थी जब तुमसे शादी कर ली। क्या बात है, क्या प्रॉब्लम हो गई? जूलिया आंटी। जूलिया आंटी, तू बीच में क्यों बोल रही है? बड़ी आई नानी जूली आंटी, चल जाकर पड़े अंदर, इतनी देर तक क्यों जगती है तू? भैया अब ये जूली कौन है? बताओ। क्या हुआ? मुझे लगा तू मुझे मारने आई है। मैं नींद में था ना। मेरी कंचन, उस बुढ़िया को जाने दे, मैं बाद में आता हूँ। बड़बड़ा रहा है नींद में, अब तो गुस्सा नहीं है ना? क्या करूं, उस जूली को देखते ही मेरा खून खौल उठता है। तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है पगली। शेर नहीं मामा, वो तो मैना की दहाड़ थी। मामा तुम आराम से सो जाओ, उठने का टाइम नहीं हुआ है, सो जाओ। सब समझ गई मैं, किसके दिमाग में क्या चल रहा था। देखो तो कैसे आराम से सो रहा है, पता नहीं इस आदमी पे विश्वास ही क्यों किया मैंने। इस धोखेबाज से तो मैं तंग आ गई हूँ, मुझे अच्छी पट्टी पढ़ाकर यहाँ शहर में ले आया। चलो सब समझती हूँ मैं तेरे बारे में। अरे क्या हो गया? यहाँ तक मुझे लाने में और हमारे रहने के लिए इस घर को ढूंढने में बड़ी तकलीफ हुई होगी ना तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, क्या कह रही है? क्या कह रही हूँ, तुम्हें तो बहुत ही करना बेकार है। क्या हुआ बापू, माँ क्यों चिल्ला रही है? अरे पता नहीं बेटा, लगता है तेरी अम्मा का कोई पेज ढीला हो गया आज। आजा बच्चा, आजा मेरे साथ, देखते हैं क्या हुआ उसे। हर बार ये आदमी अपनी बातों में फंसा लेता है मुझे। अरे क्या बकबक कर रही है, बता दो सही क्या हुआ। मुझे भी एक चाय पिला।
चार बार कुछ नहीं मिलेगी। तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है बता तो। मेरी तो पूरी जिंदगी दर्द से गुजर रही है, तू क्या जाने, तुझे तो कोई पड़ी ही नहीं है ना। अरे कुछ साफ साफ तो बता। आई टेल, वैसे प्रॉब्लम तो हमारे घर के पड़ोस में। क्या हुआ, कल रात मैंने अचानक वहाँ की बगल की बाथरूम में देखा तो लाइट चालू थी। अब इतनी रात को लाइट चालू देखकर मैंने सोचा कि कितनी वेस्टेज हो रही है। एंड यू नो माय नेचर, हाउ मैनर्ड आई एम। तो मैंने वहाँ जाकर देखा कि लाइट कौन वेस्ट कर रहा है, और देख के मैं हैरान हो गया। पूछे कौन था वहाँ? कौन था? अरे सस्पेंस है ब्रदर। अरे बताना कौन था। आपकी कोई बहुत पुरानी पहचान में से। मतलब इतनी पुरानी और अच्छी पहचान है कि दिल आपका गार्डन गार्डन होगा। अबे बताना। When I will showing you, you will immediately giving me kissing kissing, taking my word. Come by me. Come भाभी। अब आपको ये भी पता चलेगा कि भाभी का मूड इतना अच्छा क्यों है। ओ देखिए सामने, देखिए देखिए। जो जूली नहीं, ओनली जूली। क्या बात है, बात है। बात में कब? बात में, बात में। अरे बाप रे शेरनी। हाँ? तू 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 यहाँ क्यों आ गई? क्या बोल रहे थे? मैं तो बस ऐसे। इसलिए आए ना हम यहाँ, क्योंकि वो यहाँ रहती है। मुझे थोड़ी ना पता था। तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं रहता। अच्छा उल्लू बनाया मुझे, देख लूंगी तुम्हें, घुसने नहीं दूंगी। दोनों के चक्कर के बारे में भाभी को अभी तक नहीं पता था। मामा वापस आ गया। जल्दबाजी में बात बिगड़ जाएगी, दो तीन दिन के बाद पूछ लूंगा। दो तीन रख के तो क्या, चल फुट। क्या बात है? नहीं कुछ भी तो नहीं। सामने का है खड़ा है, हट ना। बेल की तरह सामने आकर खड़ा हो गया। खाई गए, चल। सुन सुन मैना, मैना तू ऐसे अकेली मत रहा कर। क्या? अच्छा इसी में होगा कि जल्दी से शादी कर ले तू। किससे? किसी से भी। ओहो, ड्राइवर गिरी छोड़कर रिश्ता जोड़ना शुरू कर दिया है क्या? नहीं नहीं नहीं, चल हट, डरपो कहीं का। क्या कहा उसने तुझसे? क्या पूछ लेना उसे। क्या हुआ भांजे, बात बनी? तूने पूछा? क्या बोली वो? उसने मुझे डरपोक कहा। क्या नकचड़ी? ए मेरा भांजा, तू डरपोक नहीं है। मामा, मामा मुझे तो वो पतली वाली ही पसंद है। कौन सी वाली? वो जो आ रही। ये ए थोड़ा पानी ला। थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? सीधा खड़ा रहे। अमीरी पर पानी फेर दिया तूने। वो पके हुए आम की तरह झोली में गिर रही थी, उसके पीछे पड़ा हुआ है। मामा क्या, मामा क्या? वो देखो पानी ला रही है। तो नहा लेना उसे। मैं ना, लाओ मुझे तो, मैं दे देती हूँ। मोटी ने टांग अड़ा दी। अरे अभी भी चानस है, स्टेट का मालिक बन जाएगा। तुम ही हो ना गांव वालों के हीरो, उनकी मसीहा। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। उसको पानी की प्यास नहीं है, किसी और चीज की है। तुमसे अकेले में बात करनी है, तुम शाम को मिल सकते हो। देखा भांजे, उस पर पूरी तरह मर मिटी है।